स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन, और जिसका कोड है MEC 372। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें है टर्निंग सेंटर और मशीनिंग सेंटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो ये मशीन होती है उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टर्निंग सेंटर, आप जिसने वर्ड लिखा हुआ टर्निंग, आम सिंपल जो कन्वेंशन मशीन है उसको बोलते हैं टर्निंग मशीन, या उसको उर्दू में बोलते हैं लेथ मशीन। उसका सिस्टम सेम इसी का है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये सीएनसी के अंदर जब इसके हम डिस्कस करेंगे, ये न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसका सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगे। आम जो लेथ मशीन है उसके अंदर टूल पोस्ट लगा होता है, जबकि इसके अंदर टर्ट लगा होता है, या टर्ट के अलावा लगा होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। टर्ट ऑटोमेटिक टूल उसके अंदर चेंज, जो हमने टूल को कॉल करना होता है हम उसकी कमांड देते हैं और वो उसको पिक कर लेता है और तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है। अच्छा, यह है एनसी मशीन टूल्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर फंक्शन एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन थ्रू प्रोग्रामिंग ऑन अ रोटेटिंग पार्ट। अब मशीनिंग सेंटर के अंदर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग सीएनसी मशीनिंग सेंटर के अंदर क्या होता है कि जो हम काम, ये एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम दोनों काम करवा सकते हैं, टर्निंग के काम भी, मिलिंग के काम भी। मतलब ये हुआ कि हम टर्न की बात करें तो उसके अंदर दो एक्स यूज करते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है जेड। अब एक्स को किस फॉर्म में लेते हैं, हम डायमीटर की फॉर्म में ले लेते हैं, और इसको हम लेंथ की फॉर्म में ले लेते हैं। टू एक्स यूज करते हैं सीएनसी टर्निंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम टर्निंग सेंटर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक और एक्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सी एक्सिस। अब सी एक्सिस एक्चुअली होता क्या है, इसके ऊपर तो टर्निंग के तमाम प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन सी का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर अगर आपने इंडेक्सिंग करनी है, को मिलिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको टर्निंग सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो मतलब हमें पता ये चला कि ये एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए हम मिलिंग के ऑपरेशन भी करवा सकते हैं और आम टर्निंग के ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। ये सीएनसी की मशीन है जिसको बोलते हैं सीएनसी टर्निंग सेंटर। अब इसके पार्ट्स क्या हैं, बेड है, कैरेज है, टेल स्टॉक है, ऑपरेशन पैनल है, मेन मोटर है, टर्ट एंड टूल पोस्ट है, या फिर टर्ट को हम ATC ऑटोमेटिक फ्लूइड चेंजर भी लिखते हैं, फीड कंट्रोल मोटर है, मशीन कंट्रोलर है। अब ये इसके पार्ट्स हैं। अब हम अगर आम लेथ मशीन की बात करें तो उसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं, बेड है, कैरेज है, टेल स्टॉक है, ऑपरेशन पैनल उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर मेन मोटर ऑफ कोर्स होती है, उसके अंदर गियर बॉक्स होता है जिसके जरिए हम थ्रू ये सारे प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है टर्निंग सेंटर। अब हम बात करते हैं मशीनिंग सेंटर। मशीनिंग सेंटर क्या है, ये भी एक न्यूमेरिकल कंट्रोल, एक जैपनीज टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये वाले जो प्रोसेस है सारे, उसके अंदर ये सारा सिस्टम इसका ऑटोमेटिकली होता है। ये आप टर्निंग सेंटर से ज़्यादा लेटेस्ट मशीन जो है उसको बोलते हैं मशीनिंग सेंटर। इसमें लिखा होगा न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये भी न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये भी टूल दैट प्राइमरी यूज रोटरी टूल हैज फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक चेंजिंग टूल एंड फॉर्म, इसके अंदर भी ATC यूज करते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर एंड परफॉर्म मल्टीपल मशीनिंग प्रोसेस फंक्शन विदाउट चेंज अ स्टेप ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस को चेंज करने के बगैर ही हम उसके ऊपर जो भी, अगर उसके ऊपर ऑपरेशन टर्निंग के हैं वो करवा लेते हैं, अगर उसके ऊपर मिलिंग का ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल इंडेक्सिंग करवानी है तो क्या होगा, हमारा स्पिंडल रुक जाएगा, टूल रोटेट करके उसके ऊपर कटिंग कर देगा, जो हमारे रिक्वायर्ड शेप होगी वो हमें मिल जाएगी। ये मशीनिंग सेंटर की ये खूबी है, इसके अंदर भी वही टूल मैगजीन भी लगी होती है जिसमें 15 से 16 टूल और टर्ट ऑटोमेटिक यूज होते हैं जिसके अंदर 200 तक टूल यूज होते हैं, और इसके एक्सेस जो हैं, ये एक्सेस हम कहते हैं XYZ, नहीं ऐसा स्टूडेंट नहीं होता, इसके अंदर 5 एक्सेस है, 10 एक्सेस है, 15 एक्सेस है। ये मशीन सबसे लेटेस्ट मशीन है, इस मशीन के ऊपर तमाम वो प्रोसेस कर सकते हैं जो हम पिछली मशीनों में मैनुअल पार्ट चुके हैं, या सीएनसी की जितनी मशीनें हैं, सिंपल सीएनसी टर्निंग, सिंपल सीएनसी मिलिंग, और ये एक लेटेस्ट एक मशीन जिसके ऊपर सारे फंक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। इसलिए इसके पार्ट्स भी हैं, बेड है,
टेबल है, ETC है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, टूल मैक्सिम, इसके अंदर कहते हैं टूल मैक्सिम होती है, एक मैक्सिम फीट का उसके अंदर 15 से 16 टूल होते हैं। इसी तरह हम दूसरी मैक्सिम यूज करते हैं, इस तरह तीसरी मैक्सिम, जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम टूल इसके अंदर यूज कर लेते हैं। इसके अंदर कॉलम है, स्पिंडल हेड है, NC कंट्रोलर है और टूल इंटरचेंज आर होता है। ये इसके पार्ट्स हैं। आप दोनों के डिफरेंस का आपको पता चल गया। मशीनिंग सेंटर एक लेटेस्ट मशीन होती है, CNC के अंदर मशीनिंग सेंटर को बोला जाता है। ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।